वेलकम बैक माई चैनल अपना ए बिना कॉर्नर। आज आप ये सोचे होंगे कि मैं उत्तराखंड की वादियों को क्यों दिखा रही हूँ। बहुत समय बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पिछले दिनों कुछ हेल्थ इशू था तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो आई एम सॉरी। लेकिन अब मैं फिट एंड फाइन हूँ, तो मैं आज एक वीडियो शूट कर रही हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ गैत की दाल, जो उत्तराखंड की फेमस दाल है। ये मेडिसिन के रूप में भी खाई जाती है, जिसको गुर्दे की प्रॉब्लम है, स्टोन है, तो वो रेगुलर यूज़ करने से स्टोन धीरे धीरे गल जाता है। और ये सर्दियों के मौसम के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अंदर से आपको गर्म रखती है। तो इसको बनाना भी ईजी है, कोई टफ नहीं है। तो बनाते हैं, चलते हैं किचन में, देखते हैं कि किस तरीके से गैत की दाल होती है, उसको कैसे बनाया जाता है। लेट्स सी। तो ये रही हमारी गैत की दाल। ये दो तरीके की होती है, मेरे पास ये ब्राउन वाली है, ब्लैक भी मिलती है। किसी चीज़ को खाने से पहले अगर उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हमें पता चल जाए तो उसका अंदाज ही खाने का अलग हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ मैं न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करती हूँ कि किस तरीके से ये है। इसमें प्रोटीन जो है वो भरपूर होता है, ठीक है। इसको मेडिसिन के लिए इसीलिए यहाँ के डॉक्टर रेफ़र करते हैं कि अगर आपको गुर्दे में पथरी है या पथरी है, तो आप इसको रेगुलर वे में इसका सूप बना के पीजिए, तो ये पथरी गल जाती है। अगर आपको डायरिया है तो इसका सूप बना के पिया जाता है। शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो पाचन को ये धीमा कर देता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करके भोजन के बाद जो हम खाना खाते हैं उसके बाद ब्लड शुगर की जो भरपूर मात्रा हमारे ब्लड में जाती है उसको ये रोकता है, उसको ये कम करता है। मींस इन शॉर्ट, ये शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छी है। वज़न को ये कम करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, तो एक्स्ट्रा फैट हमारा रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि ये गर्म है तो सर्दी, जुखाम, बुखार वगैरह वगैरह जो हो जाते हैं, कोल्ड वगैरह सर्दियों में, उसको ये कम करता है, मतलब उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जोड़ों के दर्द जो होते हैं, आपकी बॉडी एक है, क्योंकि ये गर्म है, पहाड़ के मौसम के अकॉर्डिंग इस दाल को मतलब बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये कब्ज़ को कम करता है, यस, कब्ज़ को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अल्सर के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा एक चीज़ और है इसकी, जो शायद आप लोगों को पता हो या नहीं, खैर इस ये जो स्किन में जो रैशेस पड़ जाते हैं ना, तो इस दाल को पीस के आप जहाँ पे रैशेस हैं उस पे लगा लीजिए, तो ये रैशेस को ख़त्म कर देता है। मींस इसमें अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं, उसको कंट्रोल करने में इसकी इसको इसमें पावर है, उसको कंट्रोल करती है ये। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसको खाना ही चाहिए, और सर्दियों में इसको खाना चाहिए, क्योंकि ये गर्म है। जाड़ों, गर्मियों में तो इतना ये नहीं चलता है, क्योंकि पहाड़ों पे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मौसम फ्लैक्चुएट होता रहता है। बरसात में भी लोग खाते हैं, सर्दी में तो खाते ही खाते हैं, तो प्लेन्स में ऐसा कम है, सर्दियों में खा सकते हैं। लेकिन इसका जो बॉटनिकल नेम है उसको बोलते हैं डॉलीकॉस बायफ्लोरस। तो ये तो हो गई इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की बात, बॉटनिकल नेम की बात। तो आइए इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको भिगो देते हैं, भिगोते हैं और फिर बनाते हैं, लेकिन मैं भिगोती नहीं हूँ इसको। एक बार क्या करूँगी, साफ़ करके धुल के इसमें दो तीन विसल मार के, दो तीन सीटी लगा के कुकर को साइड कर देती हूँ। उसके बाद जब इसकी विसल निकल जाती है तो उसको थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ, फिर उस पर दो तीन बार फिर विसल मारती हूँ नमक हल्दी डालने के बाद। ओके, मैंने आयरन की कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है गरम होने के लिए। अब इसमें जाएगा एक चम्मच के करीब जीरा, पांच छह कलियां लहसुन की कटी हुई, इस सब हो जाने के बाद इसमें प्याज, जो मैंने एक बड़ा प्याज काट के रखा हुआ था वो जाएगा, हरी मिर्च एक, क्योंकि मैं विनायक के लिए बना रही हूँ तो इसमें तीखा मैं कम डालूँगी,
जैसे ही प्याज थोड़ा ट्रांसफर फॉर्म में आएगा, मतलब थोड़ा सा हल्का पक जाएगा, तब इस स्टेज पे जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। क्योंकि हमें ध्यान रखना है, हमें सॉल्ट को थोड़ा कम डालना है, क्योंकि हमने गैप की दाल जब उबलने रखी थी तब भी हमने डाला था गरम मसाला। अच्छे से मसाले मिक्सअप करने के बाद टमाटर डालेंगे, जो मैंने एक बड़ा टमाटर चॉप करके रखा है। हाँ, जिसको पथरी की प्रॉब्लम है और वो मेडिसिन की तरह इस दाल को यूज़ कर रहा है तो वो टमाटर को नहीं डालेगा, टमाटर पूरी तरीके से स्किप करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग है तो टमाटर नहीं खाया जाता है। हींग, और बस इसको टमाटर को पूरी तरीके से गलाना है। देखिए मसाला हमारा एकदम से रेडी है। अब बस इस स्टेज पे जो दाल बॉईल करके रखी हुई थी वो डाल देंगे। और बस इसको 5-6 मिनट के लिए मसाले के साथ पका लेंगे। लीजिए, तैयार है गैद की दाल। इसको चपाती से या फिर राइस के साथ सर्व किया जाता है। खाने में बहुत टेस्टी लगती है, रोटी के साथ भी और राइस के साथ भी। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए, क्योंकि आपकी हेल्थ से जुड़ी है आपके परिवार की हेल्थ, आपके फैमिली की हेल्थ। कीप स्माइलिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।